हेलो गाइस, दिस इज इंजीनियर वकास अहमद एंड आई वेलकम यू ऑल गाइस इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर इंटरव्यूज कुछ डिफरेंट तरह के होते हैं, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपकी ड्रिलिंग फील्ड है, जो आपकी एक्सप्लोरेटरी फील्ड है, जो आपकी अपस्ट्रीम इंडस्ट्री ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर, जहां पे मैकेनिकल इंजीनियर्स की इंडक्शंस होती हैं, पेट्रोलियम इंजीनियर्स, केमिकल इंजीनियर्स और सिविल इंजीनियर्स की। तो इस फील्ड के अंदर जो इंटरव्यूज हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ज्यादातर कोशिश की जाती है जो भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे वेदरफोर्ड, बेकर ह्यूजेस, श्लम्बर्जर, हैलीबर्टन, टोटल, शेल, इस तरह की कंपनीज के अंदर ज्यादातर जो पिक किया जाता है इंजीनियर्स को, वो फ्रेश लेवल से होता है। आइदर यू आर डिप्लोमा होल्डर और यू आर बीई इंजीनियर। ऑयल एंड गैस के इस सेक्टर के अंदर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो प्रेफर करती हैं कि वो चाहे डिप्लोमा होल्डर्स को फील्ड स्पेशलिस्ट के तौर पर हायर करें, या फिर जो एक ग्रेजुएट इंजीनियर्स होते हैं उनको हायर करें। दे शुड बी एट फ्रेश लेवल, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट इंडस्ट्री है। आप अगर किसी और इंडस्ट्री के अंदर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, तो उसके अंदर डिफरेंट तरह के स्किल्स चाहिए होते हैं, जबकि ये जो आपकी ऑयल एंड गैस अपस्ट्रीम इंडस्ट्री है, इसके अंदर जो इंजीनियर्स होते हैं, इनका डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है, बहुत रिस्की इन्वायरमेंट होता है, रफ एंड टफ जॉब होती है, बड़ी हाई सैलरीज होती हैं, रिमोट एरिया जॉब्स होती हैं, और फिर इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा रिमोट एरियाज के अंदर, आइसोलेटेड एरियाज के अंदर, आपको आईलैंड्स के ऊपर, आपको समंदर के अंदर, आपको डेजर्ट के अंदर, फॉर अवे लोकेशंस के ऊपर आपको वर्किंग करनी पड़ती है, एंड यू हैव टू स्टे ऑन द रिग। सो इस तरह की जो जॉब्स होती हैं उसके अंदर एडवांटेजेस भी हैं एंड चैलेंजिंग सिचुएशन, टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑफिशियल जॉब्स, जो ऑफिस बेस्ड जॉब्स होती हैं। तो इसके अंदर, इससे पहले कि हम डिटेल के अंदर जाएं, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन दैट बेल आइकॉन। तो बात कुछ इस तरह से है कि मैंने अपने कैरियर के अंदर डिफरेंट तरह की ऑयल एंड गैस अपस्ट्रीम इंडस्ट्रीज के अंदर सर्व किया, और अलॉन्ग विद दिस कैरियर जर्नी I came across different multinational companies interviews like Expro, like Weatherford, like Halliburton, like Schlumberger, and I want to share with you guys the story of those interviews so that agar aap bhi in companies ko join karna chahte hain, you should prepare. ज्यादातर लोग जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स हैं, आपको इन सारी कंपनीज के अंदर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी होगी, क्योंकि ये कंपनीज अभी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन से अपने ग्रेजुएट इंजीनियर्स को इंटरव्यू करते हैं, एंड इन एनीबॉडी, लाइक इनको ऐसे बंदे चाहिए जो रफ एंड टफ एनवायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हो। फिर इनके इंटरव्यूज इस तरह से बिल्कुल नहीं होते फेस टू फेस। मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाट दे डू, दे वो विजिट करते हैं किसी यूनिवर्सिटी को, किसी कॉलेज को, और वहां पे एक व्हाइट बोर्ड के ऊपर जाके आपको प्रेजेंट करना पड़ता है, आपको अपने प्रोफाइल के बारे में सबको बताना पड़ता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपके कॉन्फिडेंस का पता चलता है। वो आपको आपकी स्ट्रेंथ के बारे में पूछते हैं, आपकी वीकनेस के बारे में पूछते हैं, आप क्यों ऑयल एंड गैस सेक्टर को ज्वाइन करना चाहते हैं, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे आस्क टू एवरीबडी के, जो कि इस चीज को शो करता है कि कल को कंपनी के, चूंकि रफ एंड टफ एनवायरमेंट के अंदर वर्क होता है, तो आप किसी रिमोट एरिया के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो यानी कि टेक्निकल एस्पेक्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कंपनी को ऐसे इंजीनियर्स चाहिए होते हैं जो फॉर सर्टेन टाइम दे कैन स्टे ऑन सम रिग एंड दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड दे कैन सस्टेन द प्रेशर। सो इस तरह के जो इंटरव्यूज होते हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार करना एक बहुत ही अलग तरह की चीज होती है। एंड सेकेंडली, आप लोगों को इन कंपनीज के अंदर अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही अप्लाई करना होगा। अलावा आप जीसीसी कंट्रीज के अंदर विजिट वीजा के ऊपर भी जा सकते हैं, लाइक अगर आपको अपने कंट्री के अंदर ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर आप जीसीसी कंट्री के अंदर जब आप विजिट करते हैं, सो यू कैन क्लिक द लिंक गिवन इन दिस टाइम इन अबव माई हेड एंड यू कैन नो मोर अबाउट द विजिट वीजा डिटेल्स, द गाइडलाइन। आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब अबाउट दैट थिंग बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दैट थिंग बाय माई सेल्फ, एंड वो सारी चीजें मैंने शेयर की हैं। आप ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर बड़ा आसानी से एक वे फॉरवर्ड आपके पास होना चाहिए, आपके पास एक डायरेक्शन होनी चाहिए, और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू गाइस विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स आउट ऑफ इट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू वांट टू नो मोर थिंग्स अबाउट दिस फील्ड, यू कैन राइट इन द कमेंट एरिया एंड लेट मी नो, आई विल मेक अदर वीडियो ऑन दैट सर्टन टॉपिक। थैंक यू।